हेलो एवरीवन, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ लोगों से बात कर करके। आज पूरे दिन में मैंने आज कुछ काउंट ही नहीं है, मैंने आज कितने लोगों से बात करी है उस कैट के सिलसिले में। बहुत टायर्ड हो गई हूँ, खाना पीना नहीं खा पाई हूँ, रात को सो नहीं पाई हूँ। सुबह 5 बजे तक मैंने लोगों के नंबरों से लोगों को मैसेज किए हैं, व्हाट्सअप किए हैं, पूरी डिटेल, पूरे वीडियोज़ अपलोड करें। एक एक वीडियो अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने आज सुबह 5 बजे तक यही किया है। उसके बाद भी मुझे बस जिन लोगों के भी मुझे नंबर आए, जिन लोगों के कॉल आए, उन लोगों ने मुझे और 4 लोगों के नंबर दिए। जब मैंने उन 4 लोगों से बात करी तो उन्होंने और 4 लोगों के नंबर दिए कि मैडम आप उनसे बात कर लो, वो आपकी हेल्प करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं लोगों से बात कर करके, लोगों को कन्वेंस कर करके, लोगों को समझा समझा के पूरे दिन में आज बहुत टायर्ड हो गई हूँ। मैंने अपनी फ़्लाइट भी छोड़ दी है। मैं मेरठ के लोगों से, मेरे पास मैंने गूगल सर्च करके मेरठ के जितने भी ग्रुप थे, मैंने सब ग्रुप में वो फ़ोटोज़ और वो सब कुछ डाला। काफ़ी लोगों ने तो उनको अपलोड ही नहीं किया, जो काफ़ी ग्रुप हैं उन्होंने अलाउ ही नहीं किया उस वीडियो को अपलोड करने में, मेरी मदद ही नहीं करी। मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं इतना परेशान हूँ। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि लोग मेरठ के रहने वाले लोग ही, जो आसपास भी रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला हम पास में ही रहते हैं, बट वो मदद को नहीं आए, किसी ने मुझे कॉल नहीं किया। आज मैं पूरे दिन वेट करती रही कि कोई तो आएगा रेस्क्यू के लिए और मैं उसके साथ जाऊंगी। पूरे दिन तैयार होके बैठी रही, पूरे दिन एक्टिव रही ताकि कोई भी मैसेज आए तो मिस ना हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता, मेरठ मैं अगर अपने शहर में होती तो अब तक मैं शायद उसको बाहर भी निकाल देती, मैं उसका कब का रेस्क्यू कर लेती, उसको अपने घर में रख लेती या उसको रोड पर छोड़ती, कुछ भी करती। अगर वो ठीक ठाक है तो मैं उसे रोड पर ही छोड़ती ताकि वो आज़ाद से रह सके। यहाँ के लोग ही जब मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, अपने ही शहर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो मैं क्या करूँ। मैं उस शॉप को नहीं तोड़ सकती, मैं लॉक नहीं तोड़ सकती। मैं लोग मुझे समझा रहे हैं कि आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, पुलिस आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवाएगी। तो मुझे बस यही है कि समझ में नहीं आ रहा अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। पुलिस तक से कांटेक्ट कर लिया, फायर ब्रिगेड वालों से कांटेक्ट कर लिया, कोई भी नहीं बचा, कोई एनजीओ नहीं बचा, कोई मेरठ का एक बंदा नहीं बचा जिसके पास वो वीडियो ना पहुंचा हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कैट बाहर नहीं आ रही है तो हमारा इंसान होना बेकार है। हमारा अच्छा दिखना, हम अच्छा दिखाते हैं लेकिन हम सच में अच्छे नहीं होते अंदर से। जब तक हम किसी को बचा ना सकें, किसी की मदद ना कर सकें, तो हमारा इंसान होना बेकार है। ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं किसी से हेल्प नहीं मांगूंगी और मैं चुप हो जाऊंगी, बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दूंगी, जो होगा जो देखा जाएगा। अब और नहीं कर सकती मैं इससे ज़्यादा।